दिस इज द लास्ट लैब फॉर योर नीट एग्जाम, ओनली 30 डेज आर इन योर हैंड. ओके, ओनली 30 दिन बचा है तुम्हारे हाथ पे. अभी अभी देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन कमिंग टू योर माइंड की विल आई बी एबल टू क्लियर नीट दिस ईयर, क्या मैं इस साल नीट क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. आई हैवंट कंप्लीटेड माई होल सिलेबस, मेरा इतना परसेंटेज ऑफ सिलेबस खत्म हुआ है. ठीक है, आई हैवंट टच्ड माई फिजिक्स, आई एम एट द जीरो लेवल, वगैरह वगैरह. बहुत सारा डाउट तुम्हारे मन पे आ रहा है. देखो, क्लियर कट सिंपल से आंसर दूंगा, अच्छे से पूरी बात को सुनना, वीडियो क्रिस्प होगा. ठीक है, तुम जितना भी प्रिपरेशन किए हो, इस 30 दिन पे ट्राई करो कि उसको मैक्सिमाइज करने का. ठीक है, उसको मैक्सिमाइज कर जितना तुमसे हो पाएगा, लास्ट 30 दिन पूरा झोंक दो, दिलो जान से पूरा झोंक दो. अगर नीट क्लियर होता है तो अच्छा, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट ईयर तुम एक साल ड्रॉप दे सकते हो, लेकिन ड्रॉप के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला हूं. अच्छे से पढ़ो इस साल, जो 30 दिन बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो. एक बात सुन लो अच्छे से कि फिजिक्स में जिन जिन का प्रॉब्लम है, फॉर्मूला लिस्ट डाउन कर लो सभी चैप्टर्स का. अप्रॉक्स 25 चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लो, 20 to 25 जो मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स है उसको शॉर्टलिस्ट कर लो, और फॉर्मूला को एक अलग कॉपी में लिख लो, और फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू करने लग जाओ. ठीक है, जिन जिन का बायो में प्रॉब्लम है वो लोग बायो का अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाओ, फ्रॉम फिंगर टिप्स और एनी अदर गुड बुक. ओके, फॉर केमिस्ट्री पीवाईक्यूज लगा लो अच्छे से, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिस्ट डाउन कर लो, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ लो, और ऑर्गेनिक में तुमको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छे से पढ़ो मेरे भाई मेरे बहन जो भी बोलो. 30 दिन है, अच्छे से यूटिलाइज करो, ड्रॉप के बारे में अभी मत सोचो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे.